भूमाफिया और अवैध साहूकारों से परेशान जनता के लिए शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंगल ने जनता दरबार लगाया था, जिसमें पीड़ितों की व्यथा सुनने के बाद पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंगल ने तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया। लेकिन इस जनता दरबार का असर भूमाफियाओं पर नहीं पड़ा। यही कारण है कि शहर की जनता भूमाफियाओं से परेशान है। आज हम आपको एक ऐसे मामले से रूबरू करवाएंगे जिससे शहर की एक बुजुर्ग दंपति परेशान है और दर दर की ठोकर खा रही है। मामला जरीपटका पुलिस स्टेशन के हद में आने वाले मेकोसा बाग का है, जहां इन बुजुर्ग दंपति ने हेरोल्ड एंटोनी फ्रांसिस नामक व्यक्ति को अपना मकान किराए पर दिया। लेकिन अब एंटोनी मकान खाली नहीं कर रहा है। ऐसे में पीड़ित परिवार कई बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काट चुका है। पुलिस आयुक्त के जनता दरबार में इन पीड़ितों ने सीपी से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन इन्हें न्याय नहीं मिला। अब ऐसे में ये परिवार दर दर की ठोकरें खाने मजबूर है। आपको बता दें, शहर पुलिस द्वारा आयोजित किए गए जनता दरबार में शहर के कई पीड़ित नागरिकों की पुलिस आयुक्त को शिकायतें मिली, लेकिन इसका असर भूमाफियाओं पर नहीं पड़ा। महान न्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ पारस बैसवारी, नागपुर। हेरोल्ड एंटोनी फ्रांसिस ये 30 मई 2023 को रहने आया है, किराए से रहने आया। तो पहले तो वो 29 तारीख को आया और घर खाली है करके उसका मालूम हो गया, और एकदम से 30 तारीख को उसने सामान ला लिया। सामान लाने के बाद उसने बोला कि अब मेरा सामान लगने दो, बाद में मैं तुमको किराया पत्र कर दूँगा, यानी एग्रीमेंट कर दूँगा। वो 2 महीना अच्छे से रहा। 2 महीने के बाद उसने अपना खुद का चीज़ ये चालू कर दिया कि तुम मेरे को ये सेवा नहीं दे रहे, वो सेवा नहीं दे रहे, मैं इलेक्ट्रिक नहीं, बरोबर पानी नहीं, ऐसा करके उसने अपना नाटक चालू कर दिया। और फिर 30/10 तक उसने पेमेंट दे दिया बरोबर। उसके बाद आज तक 9 महीने हो गए, उसने पेमेंट भी नहीं दे रहा और घर भी खाली कर रहा नहीं। मैंने पहली रिपोर्ट उसके बारे में 26 दिसंबर 2023 को दिया था। उसके बाद फिर तीसरे महीने में फिर 26 तारीख को हाँ बोलते वो, और